ट्रंप को एक वोट मिला था, पड़े सांसद हाउस स्पीकर चुनाव में पूर्व राष्ट्रपति को केवल प्रस्तावक ने वोट दिया, केविन माका की जीत। प्रिंस हैरी की किताब के खुलासे, मां के मरने पर पिता चार्ल्स ने गले नहीं लगाया, भाई विलियम ने पहचानने से इनकार कर दिया। देश दुनिया में कोरोना का खतरा, भारत में 24 घंटे में 214 नए केस, 4 मौतें, चीन में 10th में रखे जा रहे शहर। सानिया मिर्जा टेनिस से लेंगी संन्यास, अगले महीने दुबई में करियर का आखिरी टूर्नामेंट खेलेंगी सानिया मिर्जा। पाकिस्तान में एलपीजी और चिकन के दाम बड़ी तेजी से बढ़े, खराब आर्थिक हालात के चलते पाकिस्तान को बताया जा रहा है जूता श्रीलंका। दशहरा जोशीमठ में हालात बदतर, 600 परिवारों को करेंगे शिफ्ट, मंदिर ढहा, 561 से ज्यादा मकानों में दरार। पांजावाला केस में पीड़िता के परिवार की मदद के लिए आके आए अभिनेता शाहरुख खान, उनके एनजीओ ने किया संपर्क। बिजली संकट से बेहाल पाकिस्तान, बत्ती गुल कर मंत्री की हुई बैठक, सरकार के मुताबिक ऐसा करने से 6200 करोड़ रुपए होगी बचत। दिल्ली में मेयर डिप्टी मेयर पर विवाद बढ़ा, एलजी ऑफिस का सेट तो के कार्यकर्ताओं ने किया घेराव, राजघाट में भाजपा का धरना शुरू। भाजपा आयोजित करेगी यंग इंडिया रन मैराथन, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर होगा आयोजन, यंग इंडिया रन मैराथन में 5 किलोमीटर तेजी दौड़। बेगमगंज के सिविल अस्पताल में आयोजित हुआ विदाई समारोह, वरिष्ठ सर्जन खुशमिजाज विजयलक्ष्मी और डॉक्टर लोकेश उपाध्याय हुए सेवानिवृत्त। बलरामपुर में पदम श्री राजा मोहिनी माता का पुण्यतिथि मनाया गया, उनके स्थे पुण्यतिथि पर पूर्व गृहमंत्री श्री राम मिश्रा ने काम हुए शामिल। हरिद्वार नागरिक मंच में महिलाओं को वितरित किए गए वस्त्र, अखंड परम धाम में फिर से छूट, महिलाओं को भेंट किए गए अनुभव। राजघाट में तैनात पुलिस इंस्पेक्टर का सड़क हादसे में निधन, प्रभारी निरीक्षक के पद पर तैनात थे सब इंस्पेक्टर अमर सिंह गुलर। रुद्रप्रयाग में चल रही रामलीला मंचन का आज राज तिलक की झांकी के साथ हुआ समापन, 10 दिनों से चल रही थी रामलीला का हुआ समापन। शिमला मसूरी से भी ज्यादा ठंडी दिल्ली, राजधानी में कोहरे की वजह से 100 फ्लाइट्स डिले, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के साथ बारिश का लग। जोशीमठ पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी, सीएम ने भूस्खलन से प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, मौजूदा हालात का जायजा ले रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर, उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ पहुंचे करियप्पा परेड ग्राउंड में, दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर का हुआ आयोजन। केरल के सबरीमाला में पटाखा हादसा, हादसे में एक व्यक्ति की मौत, पटाखा बनाने वालों और होटल वालों की भी होगी जांच। हवाई के बड़े द्वीप पर चला हुआ ज्वालामुखी विस्फोट, अधिकारियों का कहना हाल ही में आए भूकंप से हुआ विस्फोट, विस्फोट से जनता को कोई खतरा नहीं। साथी मंजिल पर आज जिंदा जली बेटी, 25 मिनट तक बालकनी में बचाने की लगाती रही गुहार। हरियाणा पहुंची भारत जोड़ो यात्रा, करनाल में राहुल गांधी संग चल रही थी एमएलए को चोट आए, इंटरनेशनल बॉक्सर विजेंद्र बिहू शामिल। बीसीसीआई ने नई की सिलेक्शन कमेटी घोषित, चेतन शर्मा फिर होंगे चेयरमैन, सलिल अंकोला सहित 4 और मेंबर। पंजाब कैबिनेट में बड़ा फेरबदल, हरपाल सीमा और रतन प्रेसिडेंस, ये मंत्रालय सीएम की बड़ी जिम्मेदारी। परिवहन निगम में पड़े बेड़े में जल्द शामिल होंगी 5,000 से ज्यादा बसें, महाकुंभ को लेकर तैयारियां तेज, 2025 में होने वाले महाकुंभ को लेकर रखा गया है
6,800 करोड़ का बजट।